with the allyls of the 15th group, allyls of 15th group. So what are allyls? Allyls means अगर किसी भी एलिमेंट के साथ में कोई भी हेलोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कंबाइन कर जाए तो उसे हम बोलते हैं हैलाइड। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल है हमारे पास PCl3, PCl5, ये सब आपने प्लस वन में किए हुए हैं। दीज आर द हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो हमारे पास देखो यूजली हैलाइड्स किसके बनेंगे, या क्लोरीन के या ब्रोमीन के। क्लोरीन और ब्रोमीन ही रिएक्टिव होंगे, फ्लोरीन और आयोडीन के आयोडीन आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम मिलेंगे आपको किसके, क्लोरीन के, ब्रोमीन के और कुछ फ्लोरीन के भी। ठीक, अब देखो सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है इन हैलाइड्स में PCl3 और PCl5 ये आपके पास मेनली हो गए। इसके अलावा जो मिल सकते हैं NF3, NCl3। ठीक, अब आपने एक नोट किया हो यहाँ पर, इसी से देखो यहाँ स्टडी हमारी स्टार्ट हो जाती है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं हमारे, कि यहाँ पर हमने फास्फोरस जब लिया तो PCl3 था तो यहाँ NCl3 है, बट PCl5 है यहाँ NCl5 नहीं है। यहाँ पर आपके पास PF5 बन जाएगा, PF5 बन जाएगा बट NF5 नहीं बन रहा है। मीन्स नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड नहीं बना रहा है, मीन्स 5 हैलोजन्स नहीं जुड़ रहे हैं। फास्फोरस कैन मेक पेंटा हैलाइड बट नाइट्रोजन कांट मेक पेंटा हैलाइड, व्हाई दिस कैन बी ए क्वेश्चन आल्सो, इट इज अ क्वेश्चन कि व्हाई द नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू मेक द पेंटा हैलाइड, एंड द रीजन इज वेरी मच क्लियर, दैट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल। कैसे, अब देख लेते हैं हाउ द नाइट्रोजन is unable to make pentahalide but phosphorus can make. See, first the electronic configuration of nitrogen will be 1s2, 2s2 and 2p3. ठीक, and we know जो हमारे पास valence shell के electrons होते हैं वो involved bonding में होंगे। valence shell second shell है, ये complete ले लेंगे, इसे छोड़ देंगे। ऐसे ही phosphorus में देखो क्या होगा, last जो आएगा वो आएगा आपके पास 3s2 3p3। अब एक काम करते हैं, पहले इसको यहां बनाते हैं ऑर्बिटल की फॉर्म में। ये हो गया आपके पास 2s2 और यहां पर आ गया आपके पास 2p3 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। ये नाइट्रोजन के लिए हो गया 2p3 एंड फॉर द फास्फोरस 3s2 लिखो and here 3p3, 1, 2 and 3 3p3। now see, देखो यहाँ पर जो bond बनेगा nitrogen and fluorine के बीच में या chlorine के बीच में, ऐसे ही phosphorus and chlorine के बीच में, that bond will be covalent and for the covalent bond what is required, at least half filled orbital। जब तक half filled orbital नहीं होगा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर NS, ये 2s2 है, 2p3 है, तो एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ, मींस क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, एक इससे, एक इससे। तो अब क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक क्लोरीन ने यहाँ शेयर किया, एक ने यहाँ किया, एक ये किया, तीन क्लोरीन आ गए, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर NCl3। बट इन केस ऑफ फास्फोरस दोनों ही पॉसिबल है, PCl3 भी पॉसिबल है और PCl5 भी पॉसिबल है। PCl3 कब आएगा, जो 3 क्लोरीन आयंस आएंगे, कहां से आएंगे 3 क्लोरीन, यहां से, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां, तो इस तरीके से PCl3 बन गया। बट PCl5 कैसे बनेगा, देखो 3s3p एंड वी नो कि थर्ड ऑर्बिटल शेल में आपके पास डी ऑर्बिटल भी होता है, क्योंकि डी जो है वो 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3d बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ठीक, तो क्या होगा,
एस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर कर यहाँ पहुंच जाएगा। जंप क्यों कर पाएगा? क्योंकि 3s, 3p और 3d की एनर्जी में गैप कम है। गैप कम क्यों है? क्योंकि वो एक ही शेल में प्रेजेंट है, ये एक ही शेल के सब शेल है और सब शेल्स की एनर्जी में लार्ज डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस तो है बट दैट डिफरेंस विल नॉट बी वेरी लार्ज। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर पहुंच जाएगा। अब इस केस में देखो कितने हो गए हैं यहाँ पर सिंगल फील्ड ऑर्बिटल्स, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस केस में आपके पास PCl5 बन सकता है। We can form the PCl5 here। देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझ के आया? हमें देखो इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। क्या लास्ट में बात जाएगी, आंसर क्या रहेगा कि why the phosphorus is make able to make pentahalide but nitrogen can't make pentahalide? The simple reason is the absence of d orbital, due to the absence of d orbital। क्योंकि देखो nitrogen में क्या है, ये रहा nitrogen 2s 2p and 2d आप बना ही नहीं सकते क्योंकि 2d होता ही नहीं है। फर्स्ट शेल में ओनली 1s, सेकेंड शेल में 2s 2p एंड थर्ड शेल में 3s 3p एंड 3d हो सकते हैं। तो सेकेंड शेल में जब d आया ही नहीं तो कैसे ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ करेगा? इसके पास तीन ही रहेंगे सिंगल फील्ड ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई इट कैन मेक ओनली ट्राईहैलाइड एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन मेक सॉरी फॉस्फोरस कैन मेक पेंटाहैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कि व्हाई द फॉस्फोरस कैन मेक पेंटाहैलाइड एंड नाइट्रोजन कांट मेक पेंटाहैलाइड। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर PCl3 और PCl5 की, तो आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा, और जो लेस स्टेबल है वो भी लेस स्टेबल क्यों है? तो देखो यहाँ पर दो बातें आती हैं, आप उन दोनों को ही एक्सप्लेन कर देना बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्योंकि की में कुछ भी आ सकता है दोनों में से। फर्स्ट थिंग, अगर बात करें हम ऑक्सीडेशन स्टेट की, अब देखो PCl3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एंड इन द PCl5 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इज +5 एंड वी नो। देखो ये आपके पास एक कंसेप्ट आ गया है किसी भी चीज की इस तरीके से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि कंपाउंड्स आर स्टेबल इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपाउंड्स आर स्टेबल इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन द PCl5 फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो, so it will be more stable because it is present in the higher oxidation state। एक तो क्वेश्चन ही जर्नल आ गया, ये जर्नली आप जैसे कि SF4 पूछा, SF6 पूछा, कुछ भी जिसमें लगा कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी कम है वो लेस स्टेबल, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है वो मोर स्टेबल आपने कर देना है। बट इसके बाद एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर भी बनता है इसका, दोनों ही आंसर आप मेंशन कर देना वहां बोर्ड में। फर्स्ट तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैटर कर गई कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, ये मोर स्टेबल है, ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसलिए लेस स्टेबल है। सेकंड थिंग, अगर आप ट्राईहैलाइड्स, ऑल्दो ये ट्राईहैलाइड्स के लिए जर्नल आ जाता है कि ट्राईहैलाइड्स जो है वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर देते हैं इसीलिए वो लेस स्टेबल है। अगर खाली का केस आया व्हाई द ट्राईहैलाइड्स आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू पेंटाहैलाइड, तो वहां लिखोगे कि ट्राईहैलाइड्स विल रिएक्ट विद द वाटर एंड विल अंडरगो द हाइड्रोलिसिस, वो पहली बात। अब अगर आपको कहता है कि PCl3 है, अब ये लेस स्टेबल क्यों है और प्रूव करना है आपने विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन, कह सकता है कि प्रूव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल रिएक्शन, तो रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात नहीं कर सकते। फिर तो आपको यही करना पड़ेगा कि व्हेन PCl3 रिएक्ट्स विद वाटर इट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की होगी एंड व्हाट इट विल फॉर्म, बहुत जरूरी रिएक्शन है, हो सकता है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ जाए इस चैप्टर में आपके पास 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए आएंगी। जब आप रिएक्शंस को क्रैम मत करना, ज्यादा ट्राई करना कि रिएक्शन कंप्लीट करना सीख लो, ठीक, जैसे ये और ये है। तो जब भी PCl3 वाटर से रिएक्ट करेगा तो फॉस्फोरस एसिड बनेगा, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड H3PO3। देखो अब यहां पर इसने 3 P 3 O लिए हैं तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना,
क्योंकि तीन ओ तो यहीं से आएंगे आपके पास, तो एस थ्री पी ओ थ्री ना ओ। बाकी देखो बचा हुआ क्या है आपके पास, यहां से एस थ्री पी ओ थ्री प्लस एच सी एल, क्या बच गया है आपके पास एच सी एल। अब कितने सी एल है यहाँ पर, थ्री, तो यहाँ पर आप थ्री लगा दो एंड नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, थ्री एंड थ्री सिक्स एच हो गए, तो यहाँ सिक्स एच है, थ्री ओ आ गए, पी वन, ठीक सब बराबर हो गया। तो यहाँ फर्स्ट पी सी एल थ्री की अगर आपने रिएक्शन की वोटर के साथ में, तो क्या बना यहाँ पर एस थ्री पी ओ थ्री प्लस टू एस सी एल एंड इट शोज दैट द पी सी एल थ्री इज लेस रिएक्ट, इट इज लेस स्टेबल बिकॉज इट विल रिएक्ट विद वाटर टू अंडरगो द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोलिसिस। अब देखो हम थोड़ा साथ साथ करते रहेंगे रिएक्शंस को भी। अब हो सकता है आपके पास रिएक्शन कुछ ऐसे आ जाए, प्लस डी टू ओ कंप्लीट द रिएक्शन अगर ये आता है। अब अगर आपको ये रिएक्शन आती है तो ये आप बड़े आराम से कर दोगे। वो कैसे, देखो यहाँ पर ये D2O एक हैवी वाटर है, H2O H की जगह पे D मींस हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम आ गया, जो हमने किया हुआ है कि आइसोटोप होता है, सब कुछ सेम रहेगा, जहां जहां S था वहां वहां आप D लगा दोगे। तो यहाँ S था यहाँ D लगा दिया, अब इसको भी थ्री कर दो यहाँ पर, और सेम D3PO3 प्लस 3DCl। ठीक है, देखो सेम रिएक्शन आ गई, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को भी पूरा कर लिया। ठीक, ऐसे ही अगर आपके पास रिएक्शन आती है दैट शो द रिएक्शन ऑफ PCl5 विद द वाटर, ठीक PCl5 की भी वाटर से होगी, ऑल्दो जितनी इजीली PCl3 की होगी उतनी PCl5 की नहीं है, बट फिर भी होगी। व्हाट इज दैट रिएक्शन, PCl5 रिएक्टिंग विद वाटर। अब देखो ये रिएक्शन ऐसे करके कंप्लीट करने के लिए आ सकती है, देखो उसमें क्या बनेगा, इसमें एक तो आपके पास POCl3 बन जाएगा, POCl3, देखो कैसे बना POCl3 कैसे याद करोगे, इससे पहले रिएक्शन और कर लो ताकि आपको समझ में आसानी रहे। ये रिएक्शन आप प्लस वन में कर चुके होंगे, PCl5 को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2। PCl5 को अगर आपने हीट किया तो क्या बना, PCl3 प्लस Cl2, इसी से आपको हेल्प मिल जाएगी। अब PCl5 था, ठीक है ना, PCl5 है और वाटर से रिएक्शन की तो वो आ गया, तो यहाँ पर POCl3 बन गया PCl5 से। अगर देखो PCl5 होता तो PCl3 बनता, साथ में वाटर लगा दिया है तो एक O यहाँ चला जाएगा, ठीक है, बन गया POCl3। 2H बचे हुए हैं, 2Cl बचे हुए हैं, तो ये 2HCl आ जाएगा। ठीक, देखो अब इससे आपको ये करने में हेल्प मिल गई, रिएक्शंस को कम से कम क्रैम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा एक लॉजिक लग जाएगा कि PCl5 को ब्रेक किया PCl3 बना। अब PCl5 को अगर वोटर के साथ में करोगे तो ओ साथ में आ जाएगा आपके पास, ठीक, तो POCl3 प्लस 2HCl। ऐसे ही अगर यही रिएक्शन आपको ऐसे करनी होती तो कंप्लीट करने के लिए आता, अगर अब कर दो इसको देख करके, PCl5 प्लस D2O हैवी वोटर, सेम टू सेम, यहाँ एस था तो यहाँ डी आ गया, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, POCl3 प्लस 2DCl। लो ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। तो इस चैप्टर में से रिएक्शंस आएंगी, आपको ये करनी पड़ेंगी। अब देखो आपके पास न्यूमेरिकल तो नहीं है, बट ये रिएक्शंस आप करनी पड़ेंगे, उसका तरीका देखो कैसे करना है, आपको डेली दो चार रिएक्शंस को देखना है, ठीक है, डेली दो चार रिएक्शंस को देखना है कि वो मतलब दो चार बार आप देखो उनको करो पेपर पे, दो चार रिएक्शंस तो लगातार आपके माइंड में फिक्स रहेंगे, अगर आप छोड़ दोगे पकड़ के तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए याद करना। ठीक, अच्छा देखो अभी हम हैलाइड्स पर हैं। अब जैसे आपके पास नाइट्रोजन के जो हैलाइड्स हैं वो दो पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे NCl3 एंड NF3। ठीक, अब ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है, इसमें दो क्वेश्चन ही बनते हैं, दो तरीके तो क्या, दो क्वेश्चन बन जाते हैं। वन द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि आउट ऑफ द NF3 एंड NCl3 विच इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है या कौन लेस स्टेबल, दोनों में से ही जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको, कि अगर ये पूछा गया इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है तो उसका आंसर दो, कौन लेस स्टेबल है तो उसका आंसर, और वाई जरूर लिखना है आपने। एक इसी में ही वो से लिंक क्वेश्चन बनेगा कि आउट ऑफ दिस
हुज फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, किसकी फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। देखो जो ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी कब आती है, बाय रिलीजिंग द एनर्जी। अगर आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो तो स्टेबिलिटी आएगी, तो यानी कि जो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा वो एक्सोथर्मिक होगा। दोनों आंसर एक साथ मिल जाएंगे आपको, द कंपाउंड व्हिच विल बी मोर स्टेबल दैट विल बी मोर एक्सोथर्मिक। अब यहाँ इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए पहले आपको कंसेप्ट करना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन को क्रैम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, उसका आंसर आप खुद ही निकालोगे। फर्स्ट देखो होना क्या है कि यहाँ नाइट्रोजन और हैलाइड्स में भी फ्लोरिन और क्लोरिन, इनके बीच में क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। एंड वी नो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में क्या होती है, ओवरलैपिंग। अब यहाँ जो कंसेप्ट काम आएगा वो कंसेप्ट ये रहेगा कि जो ओवरलैपिंग होती है वो मोर इफेक्टिव होती है अगर आपके ऑर्बिटल्स सेम साइज के हों या उनकी शेप सेम हो, मीन्स पीपी की ओवरलैपिंग होगी। बट 2p 2p की ओवरलैपिंग 3p 3p, मतलब कि 2p और 2p की ओवरलैपिंग मोर इफेक्टिव होगी। अगर आप 2p और 3p को ओवरलैप करवाओगे तो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। अगर आप 3p और 4p की ओवरलैपिंग करवाओगे तो इफेक्टिव नहीं होगी। 2p 2p, 3p 3p, 4p 4p, जितने ऑर्बिटल्स के साइज में सिमिलरिटी आएगी एक तो उतना स्टेबिलिटी हाई होगी। और दूसरा कंसेप्ट भी कर लो यहाँ पर, जितना ऑर्बिटल छोटा होगा उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। दोनों बातें आ गई, जितना साइज छोटा हुआ उतनी ओवरलैपिंग इफेक्टिव आ गई, लेकिन दोनों में अगर सिमिलरिटी है तब भी ओवरलैपिंग आपकी इफेक्टिव एंड स्टेबल रहेगी। अब जरा ध्यान दो, N के पास क्या है, 2s और 2p। क्लोरीन के पास क्या है, 3s एंड 3p। अब देखो यहाँ अगर ओवरलैपिंग हुई तो किसमें होगी, 2p और यहाँ 3p में। N के पास क्या आ गया, 2p। F के पास भी क्या है, 2p। दोनों एक ही पीरियड के मेंबर हैं, दोनों के पास 2p 2p आ गया। सिक्स एक तो साइज स्मॉल हो गया, दूसरा दोनों में सिमिलरिटी है, ये बड़ा फैक्टर है। सो NF3 विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द NCl3 ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ द पी ऑर्बिटल्स विच आर ओवरलैपिंग। अब पी और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक। तो अब क्योंकि N और F के पी में सिमिलरिटी है 2p और 2p, दैट्स व्हाई NF3 विल बी मोर स्टेबल एंड मोर एक्सोथर्मिक एज कंपेयर टू द NCl3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है। अब इसी पे बेसिस पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखते हैं, एंड यू ट्राई टू फर्स्ट डिराइव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। PCl3 एंड PF3 एंड PF3, ठीक है, या PCl5 और NF5 कुछ भी ले सकते हैं। तो बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक। अब सोचो कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो सिंपल आंसर इज फॉस्फोरस के पास क्या है, 3p। क्लोरीन के पास भी क्या है, 3p। क्लोरीन के पास 3p, फॉस्फोरस के पास 3p है, एंड फ्लोरीन हैज 2p। इनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी ड्यू टू द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द पी ऑर्बिटल्स। 2p एंड 3p के साइज में डिफरेंस होगा, सो ओवरलैपिंग विल नॉट बी इफेक्टिव, बट हियर द ओवरलैपिंग इज इफेक्टिव, दैट इज द रीजन PCl5 और PCl3 will be more stable as compared to PF3 और PCl3, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है हमारे पास। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपने शायद क्वेश्चन प्लस वन में भी किया होगा, आपके पास एक PCl3 है और एक PCl5 है, ठीक, हम हैलाइड्स की बात ही कर रहे हैं अभी। तो PCl3 और PCl5 में कौन ज्यादा कोवलेंट होगा, फिर ये कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। हमें केवल यहाँ PCl3 या PCl5 को रटना नहीं है, बट उसके एग्जांपल से करना है, समझना है इसको। और यहाँ पर जो हमने प्लस वन में किया थे फजान रूल,
उसका भी यूज होगा, ऑल्दो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है व्हाट इज फजान रूल एंड व्हाट आर देयर अजम्पशंस, जस्ट ओनली वो कंसेप्ट लगाना है प्लस वन का। तो देखो यहाँ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, PCl5 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव है, एंड ये हमने किया था प्लस वन में कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे कटायन का पोलराइजेशन पावर में इंक्रीज होगा। द पोलराइजेशन पावर ऑफ द कटायन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। देखो फॉस्फोरस यहां कटायन होगा क्योंकि इस ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है, अब इसके ऊपर यहां प्लस 3 चार्ज है, यहां प्लस 5 है, जैसे-जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे-वैसे कटायन की पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी, एंड पोलराइजेशन पावर बढ़ने से क्या है कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये हम सब कर चुके हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन दोबारा खींचेगा फास्फोरस तो उससे कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। सो यू विल राइट दैट PCl5 विल बी मोर कोवलेंट इन नेचर ड्यू टू द मोर चार्ज, ड्यू टू द प्लस 5 चार्ज ऑफ द फास्फोरस एंड व्हिच इंक्रीजेस द पावर ऑफ द पोलराइजेशन। ठीक है, अगर ऐसे ही हम लेते हैं PF3 एंड PF5 then PF5 will be more covalent due to the more positive charge or more oxidation state of the phosphorus। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम एक चीज और करते हैं, यहाँ पर ये भी हम प्लस वन में ही कर चुके हैं, देखो कंसेप्ट सारे आपके प्लस वन वाले ही यहाँ पर हम पे कर रहे हैं, ये सब S और P ब्लॉक एलिमेंट के कंसेप्ट हैं। PCl3 can behave like both oxidizing as well as reducing agent, PCl5 oxidizing or reducing dono agent ki tarah kaam kar sakta hai, but PCl5 can't do like both, ye dono tarah kaam nahi karega, it can behave like only oxidizing agent, ye keval ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा। व्हाई इट कैन बिहेव लाइक बोथ, PCl3 विल बिहेव लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट PCl5 कांट बिहेव लाइक बोथ, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। नाउ सी, देखो जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो हमने प्लस वन में किया था कि वो कंपाउंड्स जिनमें उनका एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो तो वो क्या करेंगे, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब जैसे कि PCl3 है तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, एंड इन द PCl5 द ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस 5, एंड वी नो फास्फोरस कैन इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू प्लस 5 एंड कैन डिक्रीज अप टू -3। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 तक भी पॉसिबल है, तो -3 किस में होगी, PS3 में, PS3 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी, ये हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, PCl5 में +5 होगी, तो ये यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई। अब अगर PCl5 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर सकता है, इसे यहां पे इंक्रीज किया है और डिक्रीज भी कर सकता है, ड्यू टू दिस रीजन इट विल बिहेव लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वो कैसे, क्योंकि जब इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की इसकी क्या हो गई ऑक्सीडेशन, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग कैसे यूज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और PCl3 की यहाँ +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट -3 हो गई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन हो गई, क्या हो गई यहाँ पर, रिडक्शन हो गई है। और रिडक्शन होने का मतलब क्या हुआ, इसकी रिडक्शन हुई, इट मींस इन दिस फ्रॉम PCl3 टू PH3 इट विल बिहेव लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसकी रिडक्शन होती है वो बिहेव करता है लाइक द रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होती है वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इन द क्वेश्चन पेपर नो नीड टू राइट ऑल दी स्टोरी, यू जस्ट हैव टू राइट दैट PCl3 विल बिहेव लाइक बोथ
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इन दिस फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इन द पीसीएल थ्री फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द इंटरमीडिएट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू दिस इट कैन बिहेव लाइक बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड पीसीएल फाइव कांट एक्सटेंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट That's why it cannot behave like reducing agent. ये अपनी oxidation state decrease करेगा, reduction होगी. इसीलिए अब क्योंकि इसकी reduction ही possible है, maybe plus three or maybe minus three. क्योंकि reduction ही possible है, that's why it will behave like only oxidizing agent. ठीक है? अच्छा, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर? एक क्वेश्चन जो हमने किया था प्लस वन में भी पीसीएल फाइव से लिंक फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पीसीएल फाइव की. ये स्ट्रक्चर होगी एक सीएल यहाँ या एक सीएल इधर होगा एक सीएल ये एक सीएल इस तरीके से. ये ज्योमेट्री आपको कैसे बनानी है एस सीएल सीएल वन टू थ्री सी एल एक सी एल ये और एक सी एल ये. ठीक है, ये हो गया पी सी एल फाइव. इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइंगुलर. ये ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, दो पिरामिड आ गए. ठीक है, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल ये ज्योमेट्री हो जाती है पी सी एल फाइव की. अब इसमें क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्लस वन में, एग्जैक्टली सेम टू सेम मैंने वही आपके नोट्स में कॉपी किया है जो प्लस वन में था कि इन द पी सी एल फाइव All the bond lengths are not equal. इसमें एक bond length थोड़ी सी slightly larger होगी than the other bond length. अब वो कौन-कौन सी bond length है देखो. ये जो है ये तीनों एक ही angle में एक ही plane में होगी. देखो इस तरीके से ये तीन एक plane में होगी, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे. तो ये इसके ऊपर है ये नीचे है. इसे क्या बोलते हैं, कौन से bond है ये axial bond. These are known as axial bond. एंड जो ये वाले बॉन्ड है ये वाले जो तीनों एक प्लेन में ट्राइंगुलर प्लेन ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से ये एक ही प्लेन में होगा और इसको क्या बोलेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड्स. इक्विटोरियल बॉन्ड नाउ सी जो आपके पास इक्विटोरियल बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम होगी स्लाइटली शॉर्ट होगी एंड द एक्सियल बॉन्ड लेंथ विल बी स्लाइटली लार्जर. What is the reason for this? The reason is कि देखो यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास यहाँ पर तीन bond है एक ही लिंक उसमें plane में तीनों एक ये ऊपर है एक नीचे है. अब देखो ये जो ये axial वाले हैं ये दो ये इन तीन को repel करेंगे. ये एक repel ये करेगा एक ऐसे ही ये भी इसको repel करेगा और इधर से इसको यहाँ तीन जो तीन ये हैं एक दो तीन इस प्लेन में ट्राइंगल ये रिपेल करेंगे. अब इधर थ्री रिपेल कर रहे हैं टू को इन वन और टू को और ये टू रिपेल कर रहे हैं इन थ्री को. अब इसका मतलब क्या होगा इन थ्री की रिपल्शन ज्यादा होगी इस वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगा. सो ड्यू टू द मोर रिपल्शन कॉज्ड बाय द इक्विटोरियल बॉन्ड्स द एक्सियल बॉन्ड लेंथ विल बी स्लाइटली लार्जर देन द इक्विटोरियल बॉन्ड. तो इक्विटोरियल बॉन्ड से एक्सियल बॉन्ड थोड़ी ज्यादा होगी और रीजन क्या होगा इसका हमेशा के लिए रीजन इज द मोर रिपल्शन कॉज बाय द इक्विटोरियल बॉन्ड्स. ठीक है, तो यहां पर इस पीसीएल 5 का एक क्वेश्चन और हो गया है हमारे पास. अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास. अभी हमने जो पीसीएल 3 का क्वेश्चन किया था हाइड्रोलिसिस वाला ये उसी में से ही बना हुआ क्वेश्चन होगा कि Why the fumes appear during the hydrolysis of PCl3? तो hydrolysis के लिए H2O लगा दो, PCl3 की hydrolysis करोगे तो fumes क्यों आते हैं? Fumes का मतलब क्या होता है? जैसे आपने lab में ना कभी कोई acid की bottle को open किया हो, तो उसमें से ना white color की ना एक vapors निकलते हैं, उन्हें fumes बोलते हैं. Then why these fumes appear? तो देखो हमने एक question क्या भी किया था? PCl3 plus H2 क्या बनेगा? H3PO3 plus 3HCl. ठीक है, अब देखो HCl क्या है? ये एसिड है. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द HCl
द फ्यूम्स अपीयर ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ द पीसीएल थ्री. पीसीएल थ्री की हाइड्रोलिसिस पर आपको फ्यूम्स मिलेंगे. द रीजन इज दैट हेयर द एच सी एल फॉर्म्स. ठीक है, और ये आप देखा भी होगा जब भी आप एसिड की बोतल को ओपन करते हो उसमें से फ्यूम्स अपीयर होते हैं. ठीक, इसका रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्यूम्स विल बी विजिबल ड्यूरिंग द रिएक्शन विद द PCl5 और ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ द PCl5. ठीक, सो इट्स ओवर फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस ऑफ द पी ब्लॉक 15th ग्रुप एलिमेंट्स ओनली. जो 15th ग्रुप एलिमेंट की रिएक्शंस हैं जिसमें मैं दोबारा से रिएक्शंस PCl5, PCl3, PCl5 को लूंगा, दोबारा से कर लेंगे एक बार. और उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, द रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोजन, ये सब करेंगे हम. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.